पंजाब की रूपनगर स्थित 23 पंजाब बटालियन एनसीसी की ओर से सेना प्रशिक्षण शिविर एक्ट एटीसी 125 आयोजित किया गया, जो कि 8 नवंबर से 15 नवंबर 2021 तक चला और इसमें कुल 435 कैडेटों ने भाग लिया। ये कैंप कोरोना को ध्यान में रखते हुए चार अलग अलग स्थानों पर चलाया गया, जिसमें एनसीसी अकादमी रूपनगर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, घरोन माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहिब और SGTB खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहिब शामिल रहे। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया ताकि कैडेट्स को रोजाना एनसीसी अकादमी रूपनगर तक यात्रा न करनी पड़े और अपने घर कॉलेज के नज़दीक ही ट्रेनिंग मिल सके। इस कैंप के अंतर्गत एनसीसी कैडेट के अलग अलग तरह के ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कैडेट को ड्रिल, मैप रीडिंग, हथियार प्रशिक्षण दिया गया और सेना के इतिहास के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं सोमवार को समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कर्नल शशि भूषण राणा, कमांडिंग ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारी कर्नल LK अग्रवाल के अलावा कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।